नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड 33 संतोषी पारा में माता की प्रतिमा खंडित करने का मामला, छावनी थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही कार्यवाही। यात्री ट्रेनों के परिचालन में हो रही अनियमितता को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सांसदों पर साधा निशाना, कहा जनता की समस्याओं से नहीं है कोई सरोकार। और सांसद विजय बघेल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर समाज के सभी वर्गों से मांगा सुझाव, कहा भाजपा के लिए जनता ही सर्वोपरि, सभी से लिए जाएंगे सुझाव। खबरें विस्तार से। भूपेश बघेल ने रेल यात्रियों और रेल के परिचालन को लेकर छत्तीसगढ़ के 9 सांसदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को रेल यात्रा करना कितना कठिन हो गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 9 सांसद होने के बावजूद यहां पर रेल यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, अभी तक लगभग 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है और यात्री बहुत परेशान है। और दूसरी बात ये है कि ट्रेन कब आएगी स्टेशन पे, कौन स्टेशन पे आएगी इसका भी पता नहीं, और कब छूटेगी इसका भी पता नहीं। पहले तो टिकट में लिखा जाता था इतने बजे ट्रेन आएगी, इतने बजे छूटेगी, लेकिन अब वो भी लिखना बंद कर दिए। आप कुछ सूचना लेना चाहे तो वो नहीं मिलता, और ट्रेनें इतना विलंब से आ रहा है जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। इसको बार बार कहने के बाद भी अब अरुण साहु जी बिलासपुर के सांसद हैं, मानो उनके सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में उसकी सरकार है, एक ट्रेन तो बराबर चल नहीं रहा है और उसके कारण से यात्रियों को या तो दूसरे वाहनों से जाना पड़ता है जो महंगा पड़ता है, ये टैक्सी करें तो महंगा पड़ेगा, हवाई जहाज से जाएं वो महंगा पड़ेगा, और कोई व्यक्ति मान लो बिलासपुर या रायगढ़ से या अंबिकापुर से निकले कि रायपुर में मुझे जाकर फ्लाइट पकड़ना है तो ट्रेन के कारण से वो नहीं हो पाता। ट्रेन का भरोसा करे तो फ्लाइट ही चूक जाएगी। तो आज जो ये ट्रेन रद्द हो रहे हैं और ट्रेन विलंब से चल रहा है, उसके कारण से आम जनता की जेब में भारी बोझ पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने चुनाव घोषणा पत्र बनाने के लिए छत्तीसगढ़ वासियों से घोषणा पत्र बनाने के लिए सुझाव मांगा और कहा कि बीजेपी जो घोषणा करती है उसे पूरा करती है। अत्यंत खुशी हो रही है कि आप सबके बीच में सामूहिक रूप से आज बैठने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और आप सब और कम समय के सूचना में यहाँ पधारे, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सभी सम्मानित पत्रकार बंधु भाइयों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और घोषणा पत्र समिति की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मुख्य बात यहाँ पर हमारे बीच में सम्माननीय सिद्धार्थ जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख हैं, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी हैं, हमारे अपने आप जाने पहचाने, हमारे बीच में घोषणा पत्र समिति के सचिव सम्माननीय भाई अंकल झा जी हैं, मीडिया के हमारे प्रमुख प्रदेश के भाई अमित सिंघानी जी और घोषणा पत्र समिति में सहयोगी के रूप में पत्रकार मीडिया जगत से हमारे भाई अनुराग अग्रवाल जी हैं। आज आप सबके साथ मिलने का बड़ी इच्छा हमारी घोषणा पत्र समिति की थी, क्योंकि 70 दिनों तक लगभग हमने मेहनत की, सुझाव सभी 90 विधानसभा से हमने मंगाए, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी जन जन से सुझाव हमने लिया। 3 अगस्त को आप सबके उपस्थिति में
इसी हाल में हमने पूरे प्रदेश के सभी हमारे शिक्षक नेताओं के साथ एक बड़ा आयोजन करके इस बिलाजी की थी घोषणा पत्र की, और तब से लगातार अनेक विधानसभा में हम प्रवास करते रहे। घोषणा पत्र समिति के सब सदस्य मिलकर, संयोजक तथा संयोजक मिलकर, और उसका प्रतिफल लगभग 2 लाख सुझाव विभिन्न माध्यमों से हमारे पास पहुंचे, और जिस पर लगातार बैठकें चल रही है, और सभी सुझावों को हम सम्मानी ढंग से एकत्रित करके हर बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बड़ी बात मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी वर्गों से हमने भेंट की, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, चाहे ठेले खोमचे वाले हो, चाहे पाठ ठेला नई दुकान थोड़ी दुकान से लेकर पूरे बड़े उद्योगपति, और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चे मिडिल स्कूल हाई स्कूल और कॉलेज के खिलाड़ियों से भी हमने भेंट की, कलाकारों से भेंट की, रामायण मंडी से भेंट की, भजन मंडी से भेंट की, मंदिरों में और अन्य प्रकार के धार्मिक स्थलों में भी हम जाकर संपर्क किए। साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग हैं पीछे से लेकर अनिमित कर्मचारी से लेकर मंत्रालय तक के कर्मचारियों से हमने बातचीत भेंट की और उनके भी सुझाव जाने। बहुतायत विधानसभाओं में और जिलों में पत्रकार बंधुओं से भी हमने सुझाव लिए, उनके भी अच्छे सुझाव आए। दुर्ग पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं वे इससे पहले बहुत से महत्वपूर्ण पदों में रहकर अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन कर शहर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराए जाने के उद्देश्य को लेकर भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने दुर्ग जिले की कमान वर्ष 2007 बैच के IPS अफसर राम गोपाल गर्ग को सौंपी है। उन्होंने दुर्ग SP कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया और सभी पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी। देखिए, आज मैंने जिला दुर्ग में बतौर पुलिस अधीक्षक चार्ज लिया है जो शासन और चुनाव आयोग के आदेश मुताबिक। तो अभी हमने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग ली है, जिसमें उनसे सामान्य उनकी इंट्रोडक्शन और उनके क्षेत्र में क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके संबंध में जानकारी देने की कोशिश की है, और एक हमने शाम को थाना प्रभारियों की भी बैठक रखी है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं चुनाव में उसको समझने की, फिर उसके क्या क्या उपाय जो भी वैधानिक पॉसिबल हैं और जो भी हमसे अपेक्षा की जा रही है शांतिपूर्वक निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए, तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो चुनाव में तो अभी जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो उसका जो पुराने आंकड़े हैं, जो जो जिले के आंकड़े हैं, कितने बल की आवश्यकता है, वो पूरा स्टडी करके जो भी आवश्यकता होगी पुलिस मुख्यालय से हम रखेंगे, और सफिशिएंट बल हमें प्रदाय किए जाने का हमें उम्मीद है, और हमारी बस वही कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न। बिल्कुल, हमारा सभी स्पेशली जिला दुर्ग के निवासियों से और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे और युवा वर्ग से खासकर हमारा अनुरोध यही रहता है हमेशा कि आगे बढ़कर वोटिंग करें। ठीक है, जो भी उनके प्रत्याशी जो उनको पसंद हैं, जो उनको लगता है कि उनके लिए कार्य करेंगे, और हमारी ये जिम्मेदारी दायित्व है कि वो बिना किसी डर के या बिना किसी भी भय के अपना मतदान कर सकें और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो, यही हमारी कोशिश रहेगी और यही हमारा दायित्व है। नहीं देखिए, हमारे निष्पक्ष चुनाव हो, तो उस संबंध में जो भी पुलिस की ओर से सुरक्षा संबंधी जो उम्मीद है कि कैसे चुनाव को संपन्न कराना है, ताकि चुनाव के प्रचार में भी किसी को कोई समस्या ना आए और लोगों को भी मतदान करने में समस्या ना आए, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाए। ग्रैंड ACN न्यूज़ के लिए
दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी थाना पुलिस ने संतोषी पारा वार्ड क्रमांक 33 में बने मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा को खंडित करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ छावनी थाना पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर रही है। छावनी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर देवी प्रतिमा खंडित करने के आरोपी रोहित सिंह लोहिया निवासी शारदा पारा न्यू गणेश चौक कैंप 2 भिलाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वार्ड 33 संतोषी पारा में स्थित मंदिर में स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिए और अंततः आरोपी रोहित सिंह लोहिया शारदा पारा न्यू गणेश चौक निवासी कैंप 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने दी। ये 12 को हमको सूचना मिली थी, वहाँ शिव भवन की प्रतिमा संतोषी नगर गणेश नगर चौक में, वहाँ भगवान की मूर्ति है, उनको खंडित किया गया था। इस मामले में हम लोग एफ आई आर भी किए थे और एफ आई आर करने के बाद मौके पर जब पहुँचे तो घटना सही पाए भी थे। वहाँ के लोगों से पूछताछ से और आसपास के जो कैमराज हैं उनको चेक करने पर हम संदेह के बारे में जानकारी मिली और उस क्लू के आधार पर हम उन्हें अभिरक्षा में लिया गया, जिसके बाद उसने अपराध कबूल भी किया और इसमें एक व्यक्ति जो रोहित है उनको अरेस्ट करके इस मामले में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। ज़्यादा इसके पूर्व में तो नहीं बताया गया, इस घटना के बारे में बताया गया और तत्काल इसको अरेस्ट करके विधि सम्मत कार्रवाई की गई। बहरहाल देवी प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर छावनी थाना पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। अब 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग में बने मंदिर में स्थापित की गई बजरंग बली की प्रतिमा को खंडित करने का आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है, शहरवासियों की पहली पसंद बनी। इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी, मुखवास, जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है।
महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से क्रोएशिया बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हां, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11-777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला अस्पताल परिसर में हुए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण विभाग ने आज परिसर से सारा कब्जा हटाकर सामान को जब्त किया। दुर्ग नगर निगम द्वारा शनिवार को जिला कलेक्टर के निर्देश और सिविल सर्जन अस्पताल अधीक्षक द्वारा निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर को लिखित में आवेदन पत्र में मांग की गयी थी, जिसपे अस्पताल परिसर में हुए अवैध कब्जों को हटाए जाने की बात कही गई थी। बता दें कि अस्पताल का विगत दिनों दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान अवैध रूप से रखे अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके चलते आयुक्त लोकेश चंद्राकर स्वयं खड़े रहकर अस्पताल परिसर अंतर्गत मातृ शिशु भवन एवं GNM नर्सिंग भवन के बीच के क्षेत्र की बाउंड्री वॉल जो कि टूटी हुई थी, जिसे पक्की दीवार बनाकर स्थायी रूप से बंद किया जाना है और परिसर के अंदर एवं बाउंड्री वॉल के आसपास के क्षेत्र, विशेषकर दुर्गा मंदिर के आसपास के क्षेत्र सभी के अवैध कब्जों को हटाया गया। साथ ही अन्य जगहों पर भी दुर्ग निगम ने कार्रवाई कर कब्जे को हटाया। इसके साथ ही सामानों की जब्ती कार्रवाई भी की गई। इस दौरान मौके पर भवन अधिकारी गिरीश दीवान, बाजार अधिकारी जावेद अली, अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, भवन निरीक्षक विनोद मांझी, थान सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कलेक्टर महोदय साहब जो है 15 सितम्बर को जीवन दीप समिति की बैठक में जिला अस्पताल आए थे। उन्होंने जिला अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया था और उनको जो जो चीज़ यहाँ ठीक नहीं लगी, जैसे अवैध जो इंक्रोचमेंट था उसको हटाने के लिए निर्देश दिया था। और साईं भोजनालय है, वहाँ भी अवैध अप्रोचिंग हो गई है, उसको भी हटाने के लिए तो नगर निगम दूर के द्वारा इस बारे में आज सारा अवैध इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये अभी जो गेट हटा नहीं है, वहाँ पे तो दीवार बनेगी और इसके अंदर में जो इंक्रोचमेंट था वो हटा है और यहाँ पे फिर सारी एम्बुलेंस वगैरह रहेगी जो बाहर लाइन से खड़ी रहती थी रास्ते में, उसको यहाँ पे खड़े कर को में जो जगह है उसको डिसमेंटल करके वहाँ पर हटा के वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनेगा, जिसके लिए शासन से पैसे स्वीकृत हो चुके हैं और हमारे पास और जगह भी नहीं है और वो जगह कलेक्टर साहब को भी अच्छा लगा है तो वहाँ पे बनने का है। बता दें, अवैध कार्रवाई हटाए जाने के दौरान कोई भी अधिकारी मीडिया को जानकारी देने से बचता नजर आया। जब फील्ड पर ही मौजूद अधिकारी अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को बता नहीं पा रहे हैं तो घटनाक्रम की जानकारी आखिरकार कौन देगा? क्या दुर्ग निगम के अधिकारी किसी का दबाव नहीं लेना चाहते? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
पितृपक्ष पर छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज द्वारा शिवनाथ नदी तट पर सामूहिक श्राद्ध पितृ तर्पण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर समाज के सदस्यों की ओर से देश की सीमा पर मुठभेड़ के दौरान अपने प्राण निछावर कर वीर गति को प्राप्त करने वाले शहीद वीर जवानों तथा कोरोना सड़क दुर्घटना तथा अज्ञात कारणों से अपनी जान गंवा देने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका सामूहिक तर्पण उपस्थित पंडितों के द्वारा मंत्र के साथ वैदिक रीति रिवाज से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंगाली समाज के अलावा भी विभिन्न जाति के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। पितृ तर्पण के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शिवनाथ नदी तट पर महालय के चंडी पाठ पूजा के उपरांत पितृ तर्पण का कार्यक्रम बंगाली समाज के ब्राह्मणों के द्वारा रखा गया है और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज की ओर से इन पितृ तर्पण पर आज वर्तमान में जो अज्ञात लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है, देश के सेनानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कोरोना काल के समय में कई लोग जो हमारे बीच नहीं रहे और साथ ही पूर्वजों के उनकी आत्मा की शांति के लिए आज इनका तर्पण किया गया, जहां की शिवनाथ नदी तट पर सुबह 5 बजे से लेकर अभी भी वर्तमान में यहां तर्पण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें समस्त कूस तिल कुसा आदि सामग्री लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है और इस मौके पर भिलाई दुरूद सहित समस्त बंगाली समाज के सदस्य यहां उपस्थित होकर अपने पूर्वजों का भी तर्पण किया है। दुर्ग शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मी से विभाग के शिक्षक ने की छेड़छाड़, वहीं पीड़िता महिला शिक्षिका ने दुर्ग कोतवाली थाने में की शिकायत। दुर्ग में दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शिक्षा विभाग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें विभाग में ही कार्यरत शिक्षक ने अपने ही सह शिक्षिका से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में पीड़िता शिक्षिका ने दुर्ग कोतवाली थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दुर्ग पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच में जुटी है। इसी कड़ी में इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग शिक्षा विभाग में कार्यरत की शिकायत पर विशाखा कमेटी द्वारा गंभीरता से जाँच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्ग कोतवाली पुलिस कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव ने अपनी जानकारी दी। स्कूल की एक शिक्षिका है ममता साहू, जिसने कल एक लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके साथ में वहीं का एक स्टाफ है जो टीचर है वो छेड़खानी किया है करके, और इसके अलावा उसने DO ऑफिस में भी उस छेड़खानी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया है। अभी विशाखा कमेटी के द्वारा जाँच की जाएगी इसमें, और हमारे थाने से भी अभी जाँच किया जा रहा है, CCTV कैमरे फुटेज निकाला जा रहा है, इसके पश्चात में उसमें FIR की कार्रवाई आगे की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई निगम के वार्ड 13 कोहका में नई पानी की टंकी बनाई गई थी, जिसमें से 24 घंटे पानी का भारी रिसाव होता था, जिसके लिए कोहका विकास समिति ने पानी की बर्बादी को देखते हुए पहल की थी और इसकी खबर हमने अपने चैनल में प्रमुखता से प्रदर्शित की थी, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। कोहका विकास समिति ने इसके लिए निगम आयुक्त को भी मिलकर जानकारी दी थी। पानी की बर्बादी को देखते हुए आयुक्त ने तत्काल इसे सुधारने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए। इसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ और 2 दिन में शुद्ध पेयजल की बर्बादी पर विराम लग सका। इसके बाद कोका विकास समिति ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम तथा भिलाई निगम आयुक्त का दिल से आभार जताया है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आदमी किसी कार्य को अगर ये ठान ले कि इस कार्य को हमको पूरा करना है, तो फिर कहीं पर भी कोई समस्या आड़े नहीं आती है, कोई बाधा आड़े नहीं आती है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं ग्रैंड एशियन चैनल को, जिसने इस खबर को प्रमुखता से लिया और लोगों के संज्ञान में डाल के या हमारे जिम्मेदारों के नज़रों में इस खबर को डालकर इस खबर को इतना मतलब उसको प्रचलित बनाया और इतना इसको प्राथमिकता से दिया कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी जीवनदायिनी जो जल जिसको हम लोग पूजते हैं, वो लाखों लीटर जो समय से बर्बाद हो रहा था, वो आज 2 दिन में बंद कर तैयार हो गया है और जिसका परिणाम आज सब लोग देख रहे हैं। जिस कार्य को करने में हम लोग सालों लगा दिए,
यहाँ पार्षद को बताना, यहाँ मुख्य कार्यकर्ताओं को बताना, ये करते करते हमको काफ़ी दिन हो गए थे, जिसके बाद मानवाधिकार संगठन और कोंका विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया और इसको तुरंत कार्यवाही करते हुए आज के दिन हमारा ये टंकी का जो जल रिसाव है वो बंद करवाया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ आयुक्त महोदय का भी कि इस कार्य को इतनी प्राथमिकता से लिया गया कि दो दिन के अंदर ये टंकी बनकर तैयार हो गया, जल रिसाव बंद हो चुका है, लाखों लीटर पानी जो लोगों के प्यास को बुझाती है वो आज बर्बादी उसकी बंद हो गई है। और मैं साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से ग्रैंड एशियन न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज समय समय पर हमारे हर कार्य को प्राथमिकता से दिखाते हैं और कोई भी समस्या हो उसको त्वरित कार्यवाही करवाने पर शासन को प्रशासन को विवश कर देते हैं। धन्यवाद। देखिए, जब से टंकी बना था तब से इसमें पानी का रिसाव हो रहा था और कुछ समय से पहले से यहाँ पानी का रिसाव कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। यह बहुत समय से हो रहा है और इसकी शिकायत हमने पार्षद पति सुमन सागर सिन्हा से कई बार किए, परंतु किस कारण से वो बनवा नहीं पाए, बन नहीं पाया ये तो नहीं मालूम। और हमने इसका लगातार शिकायत की लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था। इसकी हमने एक आवेदन आयुक्त महोदय को दिया और एशियन चैनल जो आपका चैनल है उन्होंने भी इसको कवरेज किया, तब जाके आयुक्त महोदय द्वारा इसमें संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई एवं इसको बनवाया गया, इसलिए हम आयुक्त महोदय का धन्यवाद देते। और साथ ही साथ सहृदय हम धन्यवाद देंगे एशियन चैनल का इस कवरेज को दिखाए, इस पर तत्काल कार्रवाई हुआ, इसके लिए हम आयुक्त महोदय और एशियन चैनल दोनों का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे। टेंशन ना लो, शिवा लो। प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान, बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं जिसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रेल टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। पुनः स्वागत है। दुर्ग सीएसपी ने पटाखा व्यापारियों की ली बैठक। वहीं अवैध रूप से पटाखा व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही किए जाने के दिए निर्देश। त्योहार सीजन के मद्देनजर दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने पटाखा व्यापारियों की बैठक ली। वहीं बैठक में मौजूद व्यापारियों को दुर्ग सीएसपी ने सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश दिए, साथ ही अवैध रूप से पटाखे बेचते पाए जाने पर वैधानिक रूप से कार्रवाई किए जाने की बातें कही। गौरतलब है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी फटाका व्यापारियों को शहर में लागू आचार संहिता के नियम के साथ सभी मानक एवं मापदंड को मानने दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाली चुनाव से संबंधित जानकारियां दी, साथ ही कहा कि सभी दुकानदार अपने दुकानों के सामने सेफ्टी का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस संबंध में फटाका व्यवसायी और दुर्ग सीएसपी ने प्रतिक्रिया दी। जो है सीएसपी से चर्चा हुई, एक्चुअली मुख्य रूप से स्थायी पटाखा दुकान वालों की सबसे बड़ी समस्या अस्थायी पटाखा दुकान जो गली गली और अलग अलग चौक चौराहे पे, स्पेशली दुर्ग का सबसे मतलब बड़ा मार्केट इंदिरा मार्केट है, यहाँ भी लोग बड़े बड़े पंडाल लगा के पटाखा अस्थायी पटाखा बना के बिना लाइसेंस के और उससे विस्फोटक अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए लोग दुकान लगाते हैं। आदरणीय सीएसपी साहब ने हम लोगों को पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए दिया है, जैसे कि स्टेशन के पास में महाराजा चौक बोरसी चौक, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लगा के इससे दो प्रकार का नुकसान होता है कि जो कि चिल्लर पटाखा दुकान के लिए यथावत निर्धारित किया गया है मल्टीपर्पज गवर्नमेंट स्कूल के इधर में, उनके व्यापार भी प्रभावित होते हैं और जो बड़े स्थायी पटाखा दुकान वाले उनका भी प्रभाव होता है। उससे ज़्यादा मतलब चिंता का विषय है कि किसी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उनके पास में ऐसे बचाव के कोई उपाय नहीं रहते, उस वो पूरी जिम्मेदारी जो है वो आम जनता को भुगतनी पड़ती है। तो हमारा सोचना है कि सीएसपी साहब ने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार पायलटिंग करके अस्थायी पटाखा दुकान को, जिन गुमटी वालों को उन्होंने कहा कि भाई देखो गरीब हैं छोटे हैं और यदि 500-1000 रुपये का बेचते हैं तो उसके लिए हमने भी कहा था हम किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहते हैं। हमारा कहना कि यदि ऐसी दुकानें लगाते हैं तो हमारा सहयोग रहेगा उनको, मगर जो पंडाल लगा के स्थायी फटाका दुकान की बराबरी में यदि दुकान लगा के बैठेगा तो स्वाभाविक हमारा व्यापार में नुकसान होता है और व्यापार के नुकसान के साथ जनहित का भी नुकसान हो सकता है। उस संभावना को देखते हुए हमने सीएसपी साहब से बात की है और उन्होंने यथावक्त सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन दिया है। अभी आगामी त्योहारों को देखते हुए फटाखा व्यवसायियों का मीटिंग लिया गया
मीटिंग में उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं और अन्य जो समस्याएं मैं बताई उनको सुना गया। साथ ही उनको सुरक्षा संबंधी हिदायत दी गई, उनको बताया गया कि सुरक्षा जो मानक है उनका पालन करना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जब आप कहीं पे भी दुकान लगा रहे हैं या छोटे जो पटाखा व्यवसायी हैं उनको पटाखा सप्लाई करते हैं तो प्रॉपर उनके जो परमिशन है उसको चेक करेंगे और उसी के आधार पर उनको पटाखा सप्लाई करेंगे। अवैध रूप से अगर कोई पटाखा व्यवसाय करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में पीड़िता महिला से शादी का प्रलोभन देकर अनाचार के मामले में पद्मनाभपुर पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्यवाही की। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने में युवती के अनाचार किए जाने का मामला सामने आया। आपको बता दें, शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म करने की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नीलकंठ साहू को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम धनोरा दुर्ग का निवासी है। इसकी दोस्ती वर्ष 2023 में एक इवेंट कार्यक्रम के दौरान हुई थी। वही जान से मारने की धमकी देकर लंबे समय से पीड़िता के साथ अनाचार करता रहा, जिसे परेशान पीड़िता ने घटना की शिकायत पुलिस में की और कार्रवाई की मांग की। पद्मनाभपुर TI ने बताया कि पीड़िता से आवेदन मिलते ही एक टीम गठित कर आरोपी की खोजबीन की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिलने पर नीलकंठ साहू को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस पर अपराध दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने इस तरह की जानकारी दी। अभी 2 दिन पहले एक पीड़िता ने आके अपराध दर्ज कराया था कि शादी का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा गया। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं दशहरा समिति स्मृति नगर के बैनर तले स्मृति नगर में पिछले 10 दिनों से नवरात्रि पर्व के मद्देनजर महिलाओं को निःशुल्क गरबे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं प्रतिदिन प्रशिक्षण स्थल में पहुँच रही है। पिछले 18 वर्षों से स्मृति गृह निर्माण समिति के बैनर तले सार्वजनिक नव दुर्गा उत्सव एवं दशहरा समिति द्वारा नवरात्रि पर्व में क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों की मांग पर गरबे का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों महिलाएं शामिल होती आई हैं। इस वर्ष भी स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजीव चौबे द्वारा परंपरा को कायम रखते हुए गरबे का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में रास गरबे में माहिर प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में स्मृति नगर सहित अन्य वार्डों से आई महिलाएं शामिल होकर गरबे का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। रास गरबे के प्रशिक्षण सहित अन्य आयोजनों की जानकारी आरती अरोड़ा, डॉक्टर रश्मि शुक्ला और सुरेखा संजय बर्नाड ने दी। विगत 18 सालों से ये समिति जो है निरंतर काम कर रही है या आयोजन कर रही है, और जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही छोटे स्तर पे, बहुत ही कम महिलाओं और कम भागीदारी से स्टार्ट हुआ था, पर आज की डेट पे देखने लायक तो आपको खुद ही देखने को मिल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है गरबा का 10 दिन का, और आने वाले समय में इसे और भी बढ़ाने का हमारा संकल्प है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें योगदान रहा है वो हमारे संयोजक श्री राजीव चौबे जी का रहा है, जिनकी वजह से ही हम लोग ये सारे कार्यक्रम को अच्छे से कर पाए। पिछले 18 वर्षों से ये समिति गठित है स्मृति नगर की, और बहुत ही उमंग हर्षोल्लास के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है, विक्रम संवत हिंदू लोगों के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, ठीक उसी हर्षोल्लास से हम सारी महिलाएं, बच्चे सब लोग यहाँ गैदर्ड होते हैं और कुछ नए कंसेप्ट पे हर बार क्रिएशन लेते हुए, और जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर आते हैं वो हमें बहुत प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और हम सब लोग बहुत एनर्जेटिक होकर के ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि डे बाई डे ये जो हमारी समिति है वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट फीमेल्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स किड्स सब लोग को माइंड करते हुए कुछ अच्छा डेवलपमेंट करेगी। और जैसा कि हम सबको पता है, सब चंडी यज्ञ वगैरह भी यहाँ होना है और दुर्गोत्सव का सेलिब्रेशन, बच्चों के कार्यक्रम है, रंगोली मेहंदी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, इसके साथ साथ डे बाई डे 5th, 6th, 7th, 8th डे में डांडिया कॉम्पिटिशन्स भी हैं, सेपरेट कॉम्पिटिशन भी हैं। और यहाँ आनंद नगर, पुष्पक नगर, स्टील कॉलोनी, सारी जगह की महिलाएं और बच्चे सभी गैदर्ड होकर जाते हैं। स्मृति नगर नॉट ओनली फॉर द स्मृति नगर बट ओनली इट इज़ फॉर द आनंद नगर, पुष्पक नगर
विद्या विहार एज वेल एज स्टील कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, सारे लोग गैदर्ड होकर के हम लोग मिलकर के सेलिब्रेशन करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि डे बाई डे ये प्रोग्रेशन बढ़ता जाए। इसी के साथ मैं स्मृति नगर सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्मृति नगर सोसाइटी के तत्वावधान में ये समिति गठित की गई है और विगत 18 वर्षों से यहाँ पर इसी हर्षोल्लास से हम मना रहे हैं। यहाँ पर ये बात मैं बताना चाहूँगी कि ट्विन सिटी में पहले गरबा का कॉन्सेप्ट महज गुजराती समाज तक सीमित था। स्मृति नगर सोसाइटी के इस दुर्गोत्सव समिति ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ पर गरबा करवाएंगे। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि स्मृति नगर सोसाइटी का ये दुर्गोत्सव एवं दशहरा समिति ही पहली ऐसी समिति है जिसने गरबा को सार्वजनिक रूप से नॉन गुजरातियों के लिए भी ओपन फॉर ऑल ये कंसेप्ट लेकर यहाँ पर गरबा का प्रोग्राम शुरू किया। और इसके लिए प्रशिक्षण तो हम विगत 18 वर्षों से एक सप्ताह 10 दिन देते ही आ रहे हैं। इस बार हम लोग निःशुल्क 10 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। गौरतलब है कि स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष राजू चौबे द्वारा क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करने के साथ साथ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते आए हैं। अब नवरात्र पर्व के दौरान स्मृति नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया जाएगा। आइए देखते हैं राज गरबे की कुछ खास झलकियाँ। 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, clap and back. Clap and back. एक बार और. 5, 8, 1, 2, 1 and back. 2 and back. समझ आया? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में इस वर्ष पूरी भव्यता से नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। समिति द्वारा इस प्रथम वर्ष में नवरात्रि की भव्यता से तैयारी की जा रही है। यूं तो युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वाधान में बीते 27 वर्षों से दशहरे पर्व का आयोजन भव्यता से किया जाता रहा है। दशहरा पर्व के भव्य आयोजन के लिए चन्ना केशवलू के इस समिति को हमेशा से याद किया जाता रहा है। बता दें कि इस वर्ष युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा प्रथम वर्ष दुर्गा पूजन का आयोजन भी भव्यता से किया जा रहा है। माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान होगी, साथ ही चली झांकियाँ भी आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही साथ समिति द्वारा इस प्रथम वर्ष में विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। बता दें कि माँ दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया है जिसमें 9 दिन माँ विराजेंगी। समिति के द्वारा श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की विभिन्न लीलाओं पर आधारित मन मोहने वाली भव्य झांकियाँ भी यहाँ पर तैयार की गई है जो आकर्षण का केंद्र होगी। पत्रकार वार्ता में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने आयोजन की जानकारी दी है। साथ ही साथ शहरवासियों को बढ़ चढ़ कर आयोजन में शामिल होने की अपील की है। एवं सांस्कृतिक मंडल द्वारा विगत 27 वर्षों से लगातार भव्य दशहरा पर्व का आयोजन सेक्टर 7 हाई स्कूल मैदान में करते आ रहे हैं। इस वर्ष हमने प्रथम वर्ष गणेश पूजा का आयोजन किया जिसमें भिलाई दुर्ग की जनता का अपार प्यार मिला हमें। उसी के बाद हम लोग इस बार सेक्टर 7 हाई स्कूल ग्राउंड में दुर्गा पूजा भी करने जा रहे हैं, साथ में बजरंग बली की बाल्यकाल से लेकर समस्त चली झांकियों का आयोजन भी रखा है ताकि भिलाई दुर्ग की जनता जो स्नेह और प्यार दिया है उसी के कारण और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और आज के दिन जो जनता का आस्था जो धर्म के प्रति बढ़ा है उसी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमने माता दुर्गा का भी पूजा वहाँ पर रखा है। माँ दुर्गा की 9 फीट ऊँची विशाल प्रतिमा, साथ में बजरंग बली की बाल्य अवस्था से लेकर सारा संपूर्ण चली झांकियों का आयोजन रखा है। मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानित जनता को निवेदन करता हूं कि आइए इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस वर्ष 2800 और दशहरा पर्व का भव्य आयोजन होगा जिसमें 65 फीट के रावण, 50-50 फीट का कुंभकर्ण मेघनाथ, साथ में काकीनाड़ा आंध्र प्रदेश की आतिशबाजी और IPL स्तर की आतिशबाजी का आयोजन देखने मिलेगा। साथ में हमने यहाँ पे सुश्री लक्ष्मी दुबे जो घर घर भगवा फहराएंगे, राष्ट्रभक्ति गीतों का आयोजन रखा है। साथ में मैं सभी भिलाई दुर्ग के समस्त
लोगों को आमंत्रित करता हूँ इस भव्य दशहरा पर्व में। जिस प्रकार आप लोग हजारों की संख्या में हर वर्ष आते हैं, इस वर्ष भी आइए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। बीते 27 वर्षों से दशहरा पर्व युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के द्वारा भव्यता से किया जाता है। इस वर्ष समिति के द्वारा प्रथम बार किया जा रहा दुर्गोत्सव का आयोजन लोगों को काफी पसंद आएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।